हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज की ये वीडियो जब बनी हुई है, ये 9 मई की बनी हुई है, और जब मैं आज इसको ये एडिट हो रही थी, ये 10 मई की है, संडे की। तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, सारी माओं को। तो अभी यहाँ पे सुबह का समय है और मैं आई हूँ नहा के। तो नहाने के बाद की ये वीडियो है, जब मैं नहा के आई थी, फिर दोबारा चाय बनी और उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ भिंडी। तो आज नाश्ते में बन रही है भिंडी की सब्जी और रोटी। तो मैं नहाने चली गई थी तो इन्होंने ही चाय बनाई है, तो मेरे लिए भी चाय बना के रखी हुई थी। और तो चाय तो बना के रख दी थी, लेकिन आप देखिएगा इसके बाद इन्होंने क्या काम किए हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और देखिए चाय बनाने वालों ने सारी गैस कैसे बर्बाद कर दी है, सारी चाय गिरा दी है। तो जब आदमी लोग किचन में जाते हैं तो पता नहीं कैसा काम करके बाहर आ जाते हैं। तो सारी गैस चाय से भर रखी थी, सारा स्टैंड वगैरह गैस के जो भी होते सब गंदे हो रखे थे। तो वो काम निपटाना वाला काम नहीं, वो काम बढ़ाने वाला काम करते हैं। तो फिर मैं किचन में आने के बाद एक बार गैस साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत चाय गिरी हुई थी। और इसके बाद बनाऊँगी मैं सब्जी रोटी। तो यहाँ पे मैंने आज अभी सुबह के दूध गर्म नहीं हुआ था, तो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ये 1 किलो दूध आता है हम लोगों का, तो इसको हम सिर्फ ज़्यादातर ये दूध हमारा बच्चे ही पीते हैं। और जब चाय बनाने के लिए जो दूध आता है, तो एक एक थैली हम मार्केट से ले आते हैं शाम को, तो वो चाय वगैरह में डालते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा भी ज़्यादा रहता है, तो उससे चाय थोड़ा अच्छी बन जाती है। और 1 किलो दूध पूरा भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे हैं और चाय भी हम लोग ज़्यादा पीते हैं, तो इस वजह से हमें एक थैली लेनी पड़ती है। बाकी हम बच्चों के लिए यही गाय वाला दूध करते हैं जो बच्चे पीते हैं। तो मैं नहा के आई थी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, टाइम काफ़ी हो गया था। तो मैं नहा के मैंने फटाफट से दिया जलाया और उसके बाद आई हूँ मैं किचन में। तो बाल वगैरह सब ऐसे ही हैं, मैंने बालों को देख रहे होंगे आप जब ऊपर किए जैसे बनाए थे वैसे के वैसे हैं। तो सब्जी बना रही हूँ मैं भिंडी की, सिंपल वाली सब्जी बनाऊँगी मैं, जो बिल्कुल सिंपल सी बनती है सादी सब्जी, तो वही बन रही है मेरी भिंडी की। और उसमें मैंने प्याज टमाटर डाल के और नाश्ता तैयार कर रही हूँ मैं। तो जो भिंडी बना रही हूँ मैं, अभी 2-3 दिन पहले आ गई थी सब्जी, मैंने धो धा के फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने सुबह सोचा भिंडी बनाऊंगी, तो सुबह ही मैंने इसको दोबारा धो के और पानी निकलने के लिए रख दिया था। तो आजकल बहुत अच्छी भिंडी आ गई है, बिल्कुल फ्रेश सी भिंडी थी, लग भी नहीं रहा है कि 2-3 दिन पहले की सब्जी होगी। तो अगर ज़्यादा फ्रेश सब्जी आती है तो 3-4 दिन तो फ्रिज में वो अच्छे से रह लेती है ताज़ी सब्जी। तो यहाँ पे बस नाश्ता की जल्दी है मुझे, क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी। और अभी जब बच्चे नहाए थे तो कपड़े भी मैंने भिगोने के लिए सर्फ में डाल रखे हैं, तो उनको भी धोना है मुझे। तो इसके बाद मेरा वही काम है, तो वो काम करूँगी मैं नाश्ते के बाद। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये वीडियो मेरा सीधा शाम से बन रहा है, सुबह जब नाश्ता हुआ था उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया है। और आप भी यहाँ पे शाम से वीडियो स्टार्ट कर लिया है, तो देख लीजिए आप सभी घरों में हैं, अगल बगल भी दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो सभी अपने घर में इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो हमारे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों, सिद्धू और सिद्धू के पापा, तो ये लगे हैं अपना गेम खेलने में। तो इनका भी इस तरह से आजकल टाइम कट रहा है। बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, तो आज थोड़ा मौसम में राहत है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज पूरी वीडियो में आपसे बात नहीं हुई, सुबह नाश्ता दिखाया था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसे हो गया था आजकल बच्चों की ऑनलाइन, आपको सभी को पता है बच्चों की ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई है।
इस वजह से बच्चे अपना होमवर्क वगैरह करने लगे थे, तो मैंने बच्चों के पास ही था फ़ोन, तो दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो मैंने सोचा था शाम को जल्दी वीडियो बनाऊंगी, शाम से जल्दी से स्टार्ट करूंगी वीडियो बनाना। तो शाम को भी ऐसे हुआ, जब तक हमने चाय चाय वगैरह बनी रही थी, चाय पी रहे थे, तब तक आ गया था घर से फ़ोन, मेरी बहन का फ़ोन आया था। तो वो होता है ना, जब किसी का फ़ोन आओ तो काफ़ी समय बाद आया, तो जब बात होने लगे तो बात काफ़ी सिस्टर सिस्टर की बात होती है, तो बात लंबी हो जाती है। तो तब से अभी तक मैं, आपने टाइम देख ही लिया होगा, बाहर काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं उसी के साथ फ़ोन पे बात करने लगी थी। तो काफ़ी टाइम हो गया है और मैं आ रखी हूँ रात के खाने की तैयारी करने के लिए अंदर। और आज रात के खाने में बन रहा है लौकी चना। तो दाल मैंने शाम को ही भिगो दी थी, जब मैं चाय बना रही थी तब मेरी दाल तब भिगा ली थी मैंने दाल, और अभी रह रखी है लौकी काटना। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और ये है मैंने रात के लिए चने की दाल है जो भिगो रखी है, और ये लौकी। तो अब ये लौकी कटेगी और ये बनेगी, आज रात में लौकी चना ही बन रहा है, कुछ खास नहीं है। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी, मुझे आपको बता दें, किचन में कुछ ऐसे काम हैं जो ऐसी गलती हैं जो हमसे हो ही जाती हैं, और आपको भी मैं दिखाती हूँ, जो सिर्फ हमारे हाथों से होती हैं और जिनको करने से मुझे बच्चे बोलते हैं कि अच्छा हुआ हमसे नहीं हुआ, अगर हम करते तो मम्मी हमें पता नहीं कितना डांटती। तो आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी गलतियाँ हैं जो मेरे द्वारा होती हैं और ये काम मेरा तब कब से अधूरा छूटा हुआ है, तो मैं आपको दिखा दूंगी एक बार। तो ये मेरा एक कलेक्शन है, आप इसे देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। तो ये है मेरे पास, ये मेरे कप देख रहे हैं आप, ये इतने कप हैं, और मैं इनमें दिखाती हूँ इनमें मेरा क्या हाथ है और इन क्या मेरे से हो जाता है। जब मैं काम करती हूँ, जब मैं बर्तन धोती हूँ, तो मुझे इतनी जल्दी रहती है ना, कि ये सब काम मेरे हाथ से होते हैं। नंबर एक देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ऑरेंज कप जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये अपनी चॉइस से लाई थी मैं बहुत पसंद से, और ये सारा सेट खराब हो गया है मेरा, देख लीजिए आप। ये मैं अपनी पसंद के कप लाई थी, और यहाँ देखिए आप, ये भी टूट गया है, ये भी मैंने तोड़ दिया है, ये भी देखिए बीच में, इसमें भी तीड़ पड़ गई है। और इसके बाद रहा ये वाला कप, तो पहले इसमें तीड़ भी पड़ी हुई, और यहाँ देखिए साइड से ये भी टूट गया है। अब इसकी बारी, तो ये भी टूट गया है, और ये भी टूट गया है, ये भी टूट गया है, और ये यहाँ से साइड से ये भी ऐसे हो रखा है। मात्र दो कप हैं मेरे पास जो चाय पीने में यूज़ करते हैं मैं, ये भी थोड़ा साइड से ख़राब हो रखा है, लेकिन जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से ही इतने मेरे मेरे हाथों द्वारा ये काम हुए हैं। देखिए आप, ये हाथ से छूट जाते हैं, बर्तन धोते समय सिंक में जोर से गिरते हैं, तो ऐसे काम हो जाते हैं। अब बस ये वाले कप है मेरे पास बचे हुए, तो मैं इनको इसलिए नहीं निकालती हूँ, मैंने कहा, मैंने बाय द वे ये भी निकाले और इनका सेट भी ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैं इनको नहीं छीलती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन है और पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलता है। तो इस वजह से देखिए, मुझे लॉकडाउन खुलेगा तो मुझे पता नहीं कितने काम ऐसे हैं कि जो बाज़ार के छूट रखे हैं और जो मुझे करने हैं, तो ऐसे हाल हो रखे हैं कप की, और ये सब कप फेंकने हैं मुझे ये। यहाँ पे होने लगी है रात के खाने की तैयारी, और मेरे पास जो लौकी थी तो मैंने वो छील के रख दी है, और इसके बाद मैं उसको अच्छे से साफ करके धो के फिर काट दूंगी। तो लौकी चना काफी दिन बाद बन रहा है, कभी मतलब बहुत कम खाते हैं हम, क्योंकि बच्चे ज़्यादा, बेटा ज़्यादा पसंद नहीं करता है और उसके पापा भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी अपना भी मन करता है खाने का। तो आज बना रही हूँ मैं लौकी चना, तो उसके लिए मैंने वही सब जैसे मैं सब्जी बनाती हूँ उसी प्रकार से बनाऊँगी। तो लौकी मैंने काट, प्याज टमाटर मेरा सब कट करके रख दिया है मैंने, प्याज
प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्च सब काट रखा है मैंने। और इसके बाद काटी मैं लौकी, तो चना तो मैंने शाम को ही भिगो दी थी दाल, और यहाँ पे लौकी कटने के बाद डाल दिया है मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा जीरा जो भी होता है, और इसके बाद मैं सब चीज़ डालूँगी, प्याज जो भी है कटा हुआ मेरा। तो यहाँ पे मैं अदरक का टुकड़ा था उसको कूट के डालूँगी, तो उसी को कूट रही हूँ मैं। और अब मैंने प्याज वगैरह डाल दिया है, तो उसको अच्छे से भूनने के बाद अब मैं लहसुन भी डाल दूँगी, और जो मैंने अदरक कूट रखा था तो उसको भी डाल दूँगी। अपने वीडियो में आप लोगों को हमेशा वही वाला तरीका बताती हूँ खाना बनाने का, या फिर कोई रेसिपी में शेयर कर रही हूँ या फिर कोई डिश बना रही हूँ, तो मैं आपको वो तरीका बताती हूँ हमेशा जो सबसे सरल हो और हर कोई उसे बना सके। जैसे कोई स्टूडेंट हो या फिर लड़कियाँ हो अकेली रह रही हूँ तो वो भी उसको बना सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास उतना सामान होना चाहिए या उतने मसाले होने चाहिए, आप उनको थोड़े सामान और थोड़े मसाले में कम बर्तनों में भी बना सकते हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आप YouTube पे जाएंगे तो आपको पता नहीं कितने चैनल मिलेंगे जिन पे खाली रेसिपी शेयर की रहती है, लेकिन मेरा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका रहता है कि जिसे हर कोई अपना सके और हर किसी के काम आए। तो यहाँ पे मैंने प्याज अच्छे से भूनने के बाद लहसुन वगैरह डाल के टमाटर डाल के सारे मसाले उसमें डाल दिए हैं, और अब मैं उसमें डाल रही हूँ चने की दाल, और उसके बाद डालूँगी मैं उसको एक बार अच्छे से मिला लूँगी मसालों में, फिर डालूँगी मैं कटी हुई लौकी। लौकी डालने के बाद मैं इसको एक बार अच्छे से चला लूँगी, और जिससे सारा मसाला लौकी में और दाल में अच्छे से मिल जाए। उसको भूनने के बाद ही मैं उसमें पानी डालूँगी। तो मैंने उसमें पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर बंद कर दिया है, और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा। तो आटा मैं हमेशा ज़्यादा ही लगाती हूँ क्योंकि फिर वो सुबह के काम भी आ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में रख दो तो सुबह काम आ जाता है, जितना भी बनेगा तो बनेगा, बाकी सुबह के काम आएगा मेरा। सब्जी को मैंने दूसरी साइड चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैंने खिड़की भी खोल रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो थोड़ा खिड़की से हवा आ रही थी, तो इसलिए मैंने किचन की खिड़की खोल के रख दी है। तो यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी बनी चुकी हैं, और इतनी रोटियाँ बनाऊँगी मैं, और दूसरी साइड सब्जी चढ़ी थी तो खाना बन चुका है मेरा पूरा। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, मैं लगाने लगी हूँ खाना। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।